कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है, यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें। तो शुरुआत कर रहे हैं गंगा प्राइम की बड़ी खबर से। कोरोना मरीजों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के अब तक 294 मामले सामने आ गए। जी हां, 294 एक ही दिन में 16 नए मामले सामने आए हैं। सीतापुर में इसमें 8 हैं, लखनऊ में 5, आगरा में 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। केजीएमयू प्रशासन ने सैंपल्स की रिपोर्ट जारी की है और एक ही दिन में 16 नए मामले आने के बाद से महकमे में हड़कंप है। एक तरफ लोगों ने एकजुटता अपनी दिखाई कि वो तो एकजुट हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिलहाल संख्या थमती हुई नहीं दिख रही है। तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक ही दिन में 16 नए मरीज मिलने से यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 294 हो गई है, जिससे शासन के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि करीब 300 मरीजों का ये आंकड़ा हो चुका है। सीतापुर में 8 नए मरीज मिले हैं, जबकि लखनऊ में 5 केस सामने आए हैं और आगरा में भी 2 मरीज मिलने से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इससे पहले 26 घंटे में कल तक 40 नए केस सामने आए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 294 में से 21 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनको घर भेजा जा चुका है, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है ठीक होने की। बहरहाल प्रदेश में अब तक कुल 5,255 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 179 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। यूपी में सबसे ज्यादा मामले नोएडा से सामने आए हैं। यहां पर अब तक 58 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद आगरा से 47, मेरठ से 33, गाजियाबाद से 23, तो लखनऊ से 17 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इसमें भी बड़ी तादाद मरकज में या आप कहें जमात में शामिल लोगों की। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़े हुए जो सारी जानकारियां देंगे, बलराम पांडे मेरठ से सारी जानकारियां देने वाले हैं। सबसे पहले शैलेश, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जो पहले तो आज का जो डेटा है वो आप दर्शकों के बीच में रखें कि आज का डेटा कितना है, केजीएमयू आज और कितनी रिपोर्ट्स जारी करेगा। राजीव, निश्चित रूप से पिछले, अगर हम जब से ये जमातियों का सिलसिला शुरू हुआ है तब से अगर देखें तो शायद ही कोई सुबह होगी जब 10, 12 केस, 15 केस, 25 केस इस तरह से ना आए हो। लगातार इसी तरह से रोज की सुबह इसी के साथ होती है कि जैसे ही केजीएमयू की नई रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर कभी 12 मिलते हैं, कभी 16 मिलते हैं, कभी 25 लोग नए मिलते हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो ये हालात इस समय बन चुके हैं। आज भी जब सुबह रिपोर्ट जारी हुई है तो उसमें 16 ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं लोग, जिसमें से 8 जो है वो सीतापुर के खैराबाद में भर्ती है। सीतापुर अभी तक अछूता था, वहां पर कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं थे, लेकिन वहां पर भी 8 केस सामने आए हैं। इसके अलावा 5 केस जो है वो लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में 5 कोरोना के जो लोग हैं वो भर्ती हैं इस समय, और अधिकतर इनमें भी जमाती बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी बलरामपुर अस्पताल में ही भर्ती करीब 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव अलग अलग चरण में आ चुकी है और 5 लोग और आज निकलकर इस तरह से सामने आए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो आगरा, वहाँ पर भी लगातार संख्या बढ़ रही है और आज एक बार फिर से 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो आगरा में भी रिपोर्ट हुए हैं, सामने आए हैं, और लगातार अभी जो सैंपल्स है उनकी टेस्टिंग का काम जारी है। तो जैसे जैसे सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही है नए नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसके साथ में ही अगर आंकड़े की बात की जाए तो लिखित आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश का वो अब 294 पहुँच चुका है। इसके अलावा संभव है कि कुछ जिलों में और ऐसे 1, 2, 3 करके केस आए हों, लेकिन फिलहाल उनकी
जिनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है कंपाइल होकर। शैलेश, यह आंकड़ा कहीं ना कहीं अब चिंताजनक जरूर है, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर जो पूरे देश के आंकड़े की बात करें उसमें 30-35% जमात में जो लोग शामिल हुए थे उनका ही डेटा है। बाकी देश की इतनी बड़ी आबादी उसका सिर्फ बाकी परसेंटेज था। उत्तर प्रदेश में जमातियों कि कितनी हिस्सेदारी है इस कोरोना वायरस को फैलाने में, उनकी संख्या लगभग कितनी है इसमें? देखिए, उसमें भी अगर बात करें तो इस समय जो आंकड़े हैं उनमें बड़ी संख्या में जमाती शामिल है। जो आंकड़ा लगभग 300 के करीब पहुंच चुका है, 294, तो बस 300 के करीब ही है। उसमें एक बड़ी संख्या जो है वो ऐसे जमातियों की ही है जिसकी वजह से केस बढ़े हैं। आधे से ज़्यादा बताया जा रहा है कि उनकी संख्या है, और निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार सरकार की तरफ से इन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, जैसे जैसे नए लोग मिलते जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त है। इसी वजह से लखनऊ के कई क्षेत्रों को सील भी करना पड़ा, चाहे वो कैंट एरिया हो, वहाँ पर सेना की तरफ से उसको सील किया गया जिससे जो वहाँ पर सैनिक है, जो सेना के जवान है, वो सुरक्षित रहे। सदर का एक क्षेत्र है उसको सील किया गया। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र है लखनऊ के जिनको सील करने की नौबत आन पड़ी है। केस कोरोना को अगर देखें, जब से ये समस्या सामने आई थी तो इतने हालात खराब नहीं थे। केस आते थे सामने, लेकिन 1-2-3 इस तरह से उत्तर प्रदेश में आते थे। सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद जो हालात थे वो बहुत ही काबू में कहे जा सकते थे। यहाँ पर जो तैयारियाँ थी वो बहुत बेहतर कही जा सकती थी, लेकिन अब सारा जो समीकरण है उसको गड़बड़ कर दिया है। जो तेज़ी से इस समय संख्या बढ़ रही है उसने, और जिस तरह से पहले 100 का आंकड़ा पार होता है, 150 का, 200 का, और अब 300 के करीब पहुंच जाता है। 3-4 दिन के बिल्कुल अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट आप शैलेश कह रहे हैं कि समीकरण पहले इतने खराब नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन समीकरण अचानक बीच में खराब हो गए। अब बदले समीकरणों का असर मेरठ में कितना है वो बलराम हमें बताएंगे। बलराम, वहां पर किस तरह का असर है बदले समीकरणों का, क्या आंकड़ा वहां का है? देखिए राजीव, अगर हम कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंटों के आंकड़ों की बात करें तो मेरठ में 32 है और गाज़ियाबाद में 23 है, और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो नोएडा में है 58। इसके अलावा शामली में 9 है, सहारनपुर में 13 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। इसके अलावा हापुड़ और बुलंदशहर में 3-3 पॉजिटिव पेशेंट है और बागपत में 2 पेशेंट है। लेकिन लगातार प्रशासन इस पर काम कर रहा है और ये उम्मीद जता रहा है कि कहीं ना कहीं जो जमाती हैं उनके जो सैंपल हैं उनमें कमी आए और उनको चिन्हित करके तत्काल क्वारंटाइन किया जाए। यही वजह है कि दो धर्म गुरुओं ने कल सहारनपुर में बैठक भी की, मौलाना कासिम और धर्मगुरु दीपांकर महाराज जी। इन दोनों लोगों ने बैठक कर दोनों समुदाय के लोगों से अपील की है कि ये सरकार या किसी एक मजहब या मंत्री का काम नहीं है इस पर काम करना। इस पर मुल्क के हर शख्स की जिम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार और WHO की गाइडलाइन का पालन करें और इस महामारी से निपटने के लिए देश का साथ दें। ये अपील भी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से राजीव देखा गया है कि एक के बाद एक जो जमाती थे उनके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, और यही वजह रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पॉजिटिव का आंकड़ा था वो एकदम से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो जमातियों के पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो ये चिंता का विषय था सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए। यही वजह रही है कि जो देवबंदी धर्मगुरु थे उनके साथ महाराज दीपांकर ने भी बैठक की और ये अपील की कि गुजारिश की जाए दोनों समुदाय के लोगों से कि वो एहतियात बरतें और इस पर काम करें और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, क्योंकि अगर पालन नहीं करेंगे तो ये महामारी व्यापक तौर पर फैलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े फैल रहे हैं और जिस तरीके के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों चिंतित है और दोनों धर्मगुरुओं भी चिंतित दिखे। यही वजह है कि लगातार वो अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजीव, लगातार जो जमाती हैं उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। जैसे अब अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर 12 जमातियों के पॉजिटिव रिजल्ट आए हों, लगभग 250 से ज़्यादा जमातियों के अभी जो सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी पर प्रशासन और सरकार दोनों की कवायद है कि इसको रोका जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो FIR दर्ज हुई है तो मेरठ में 19 FIR दर्ज हुई है, हापुड़ में 9 FIR दर्ज हुई है, बुलंदशहर में 11 FIR दर्ज हुई है। अगर हम नोएडा की बात करें तो वहाँ 15 नामजद और लगभग 50 से ज़्यादा ज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो 6 जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज
की गई है। बिल्कुल, जिसको लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक शैलेश और बलराम हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। लेकिन इस बीच में एक कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, वो खबर जरा दर्शकों को दे दूं। ये खबर है कौशाम्बी से, जहां पर पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है। कौशाम्बी में भी पहुंच गया है कोरोना पहला पॉजिटिव केस। हरियाणा से 29 मार्च को ये शख्स गांव लौटा था। प्राथमिक स्कूल में इनको क्वारंटाइन किया गया था, 8 लोगों को क्वारंटीन किया गया। पूरे गांव को अब सील करके पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कड़ा धाम के कोतवाली इलाके के पचंभा गांव का ये मामला है। और इस घटना के बाद एक और चीज स्पष्ट नजर आती है कि ये लोग बाहर से आए, इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई, ये हरियाणा से लौटा था, इसीलिए इनको क्वारंटीन प्राथमिक स्कूल में किया गया। इसीलिए पूरे गांव में अभी तक ये नहीं फैला है, इसीलिए पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। ये अच्छी बात है, अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बता दें तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताने में कोई गलत नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, तो आपकी सुरक्षा और आपकी सेहत के लिए। इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई और शैलेश के पास ही मैं आना चाहूँगा। शैलेश देखिए, शैलेश जहाँ तक अभी तक ये कोरोना नहीं पहुँचा था, वहाँ पर भी ये कोरोना पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर ये राहत की बात है कि वो प्राथमिक स्कूल में क्वारंटीन उनको कर दिया। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि वहाँ पहुँच रहा है अब कोरोना, जहाँ तक लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये जो लोग पलायन करके गए हैं वो साथ में लेकर गए कोरोना। देखिए निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अगर देखें तो एक बड़ी संख्या थी जब हाल ही में अलग अलग राज्यों से लोगों ने पलायन किया, और हम लोगों ने वो तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो सैलाब था पूरा, एक खास तौर से दिल्ली की तस्वीरें हमने दिखाई, अन्य राज्यों से जो लोग आए उनकी यहाँ राजधानी लखनऊ पहुँचने के बाद की तस्वीरें दिखाई, तो जो हालात थे, जो सैलाब दिखा के बसों के अंदर लोग भरे, बसों के ऊपर लोग चढ़े, तो निश्चित रूप से एक डर की स्थिति वहीं से पैदा हो चुकी थी। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए कि जो लोग भी पलायन करके आए हैं उनको फिलहाल क्वारंटाइन करके अलग रखा जाएगा। इसके लिए जो विद्यालय थे, स्कूल थे जो गाँव में, उनको चिन्हित किया गया, क्योंकि गाँव में और भवनों की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये एक साधन हो सकता था, तो ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया, इन लोगों को वहाँ पर रखा गया। और जैसी उम्मीद थी कि कौशाम्बी में ही जैसे एक केस सामने आया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा प्रयास रहा कि कम से कम पहले ही उन लोगों को बाकी जो गांव के लोग थे उनसे अलग कर लिया गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस तरह से समस्या बढ़ती है तो हालात और ज़्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये सरकार भी जानती थी, इसलिए उसने पहले ही तैयारी कर ली थी कि जो पलायन करके आएगा उसको हमें कैसे बाकी लोगों से अलग रखना है। यही वजह थी कि बाद में मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि अब किसी को नहीं आने दिया जाएगा, जो जहां है वहीं रहे, वहीं उसको खाना पीना भोजन रहने की सुविधा हर चीज़ वहीं पर कैसे मुहैया कराई जा सकती, कराई जाएगी। कैंप बनाए गए इसके लिए कि अगर कोई आता है तो उसे कैंप में रखा जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर की गई थी। और जहां तक बात करें कि जो जिले अछूते थे उनकी, जैसा अभी आपने भी राजीव कहा, तो आज ही हमने जैसे बताया कि सीतापुर में 8 केस सामने आते हैं, खैराबाद में, सीतापुर अछूता था, कौशाम्बी में केस आया, कौशाम्बी अछूता था, पिछले 2 दिन के अंदर की अगर बात करते हैं तो बाराबंकी में केस आए, बाराबंकी अछूता था, औरैया में केस आए, औरैया अछूता था। आज की तारीख में प्रदेश के 75वें से अगर बात की जाए तो 32 से अधिक जिले ऐसे हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं, जबकि 4 से 5 दिन पहले अगर हम जाते तो ये संख्या इससे बहुत कम थी, 12 से 15 जिलों तक ही ये खाली सीमित थी। तो तेजी के साथ निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ी है, और अभी भी जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं सभी जगह से, लेकिन सरकार का दावा है कि हमारे पूरे प्रयास जारी हैं, हर तरफ हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को पहले से ही चिन्हित करके क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिससे अगर किसी में पुष्टि हो भी तो कम से कम उससे दूसरे लोगों के संक्रमित होने की संभावना ना रह जाए। जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्वारंटाइन किया जा रहा है, जहाँ जहाँ ये लोग मिल रहे हैं इस तरह से, चाहे वो बात की जाए, अगर इसीलिए हमने एक बात अभी कही कि लखनऊ के कई क्षेत्रों को सील किया गया, वजह यही थी कि जहाँ जहाँ से जमाती ऐसे मिले जिनमें संक्रमण पाया गया, तो उन क्षेत्रों को सील करके उन क्षेत्रों को पूरा सैनिटाइज कराया जा रहा है। उसके बाद उन क्षेत्रों में जो लोग बाकी रहते हैं उनके घर घर जा रही हैं टीमें। इस बीच में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए आसान नहीं है ये टास्क, क्योंकि जब वो जाते हैं इन क्षेत्रों में तो कई बार उनको भारी विरोध झेलना पड़ता है, उनके साथ अभद्रता भी होती है, लेकिन इसको लेकर पुलिस भी कड़ी कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों के खिलाफ, और लगातार स्वास्थ्यकर्मी इन चीजों के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं और लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है।
तो उम्मीद की जा सकती है और विश्वास रखना भी होगा। विश्वास रखने के साथ अपना प्रयास भी करना होगा कि कैसे साथ में मिलकर सिस्टम के इन चीजों को रोका जा सके। हर व्यक्ति अगर खुद अपनी जिम्मेदारी तय कर ले, अपनी जिम्मेदारी निभा ले, तो शायद इस संकट से बचा जा सकता है। जो कड़ी है उसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल प्रयास रुकना नहीं चाहिए। प्रयास हमारा लगातार चलता रहना चाहिए। हमने जनता कर्फ्यू का सपोर्ट किया, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पीएम मोदी ने आह्वान किया कि दीपोत्सव बनाइए, दीप जलाए, तो लोगों ने दीप भी जलाए। तो ऐसे में अभी आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुए। बहरहाल शैलेश और बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं, जो जमात का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो बताने से परहेज कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सामने आकर बताने की जरूरत है। जैसे अन्य लोग कर रहे हैं, वो क्वारंटीन किया गया उनको और उनके केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं, कम से कम एहतियाती वो अन्य लोगों से अलग है। ऐसे में अभी भी आपके पास वक्त है, ये केसेस और ज़्यादा ना बढ़े। ये संख्या अभी भी चिंताजनक ही है, लेकिन और ज़्यादा ये ना बढ़े, ऐसे में ज़रूरी है आपका सहयोग। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फॉलो लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब अमरोहा से आपको बड़ी खबर देते हैं। तीन जमातियों की कोरोना रिपोर्ट यहां पॉजिटिव मिली है। दिल्ली मरकज से हल्द्वानी ये तीनों के तीनों लौटे थे, लेकिन इस बीच में ये तीनों जमाती हल्द्वानी जाने से पहले अपने घर में रुके थे और जिला प्रशासन में अब खलबली मच गई। और खलबली मचना स्वाभाविक है, जमातियों के संपर्क में आए लोगों की अब तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। तीन जमातियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। अमरोहा जिले के रहने वाले तीनों ये बताए जा रहे हैं और तीनों जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। ये दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे, जमात का हिस्सा थे, हल्द्वानी लौटे थे ये तीनों लोग, लेकिन हल्द्वानी जाने से पहले ये तीनों के तीनों जमाती अपने घर में, यानी अमरोहा ज़िले में अपने घर में रुके थे। ऐसे में अपने परिवार वालों से मिले होंगे, अड़ोसी पड़ोसियों से मिले होंगे, और कितने लोगों तक कोरोना पहुँचा होगा इनके जरिए। महामारी के समय जहां एक तरफ विकृत मानसिकता वाले कुछ लोग पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे सभ्य लोग भी हैं जो इन पुलिस कर्मियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। तस्वीरें गोंडा जिले से सामने आई, यहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे ऐसे पुलिस कर्मियों पर लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा की। गुरु नानक चौक पर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी कोतवाल सदर और कई पुलिस कर्मियों पर लोगों ने फूल बरसाए और इस संकट की घड़ी में देश की और समाज की रक्षा करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। और फतेहपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, प्रेमी और प्रेमिका का शव मिला है फतेहपुर में। बड़ी खबर आपको देते हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी और प्रेमिका का शव मिला है। दोनों का शव बरामद कर लिया गया है, नीम के पेड़ से इन दोनों का शव लटका मिला है। दोनों शवों के पास से जहर की शीशी मिली है और मलबा थाना इलाके के तारापुर असवार गांव का ये मामला है। और प्रेमी प्रेमिका ये बताए जा रहे हैं, और जहर की शीशी मिलना, लटके हुए पेड़ से मिले हैं, तो ऐसे में आत्महत्या है इस पर जो है, या फिर हत्या है, इस बात की पुलिस अब जांच करेगी। बहरहाल संदीप हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास, दर्शकों को दें। जी, जैसा कि बता दूं कि मलबा थाना क्षेत्र के तारापुर असवार गांव का मामला है, जहां पे एक प्रेमी और एक पेड़ का कसौ गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के पेड़ में सासी के सपने में लटका मिला हुआ था, जिसके बाद गांव वाले मौके पर पहुंचे, जहां पे प्रेमी प्रेमिका के शव को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पेड़ से उतारते हुए दोनों की जांच पड़ताल कर रही, जहां पे एक जहर की शीशी भी मिली हुई है। उस जहर की शीशी को लेकर के पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही। गांव वाले हालांकि इसकी हत्या की आशंका जता रहे, क्योंकि उसमें जो प्रेमिका है, प्रेमिका के कहीं ना कहीं शरीर से उसके ब्लड भी बह रहा है, जिसको लेकर के गांव वाले उसकी हत्या की आशंका जता रहे। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पहुंच करके पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी संदीप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भले ही पेड़ से लटका शव मिला है, भले ही जहर की शीशी मिली है, लेकिन इसको हत्या के एंगल से भी देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो प्रेमिका है, जो युवती है, उसके शरीर से खून भी निकल रहा है, जख्म भी है।
अब आपको वाराणसी से एक अच्छी खबर दिखाते हैं और ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के बाद पर्यावरण काफी हद तक शुद्ध हो गया। साफ हवा ने यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन कर दिया है, तो वहीं गंगा की काफ़ी हद तक सफाई हो गई है, साफ दिख रहे हैं गंगा। वाराणसी के घाट जो प्रदूषण की वजह से धुंध में छिपे हुए थे, उनका साफ तौर से दीदार हो सकता है। वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 65 रिकॉर्ड किया गया, आसमान साफ दिख रहा है, तो जो चिड़ियाँ हैं उनकी चहक सुनाई दे रही है, वो हर किसी को उत्साहित कर रहे हैं। वाराणसी का प्रशासनिक अमला भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि लॉकडाउन ने प्रदूषण में काफी सुधार किया है। वाराणसी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही वाराणसी का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सचेत है, पूरी तरह से चौकन्ना है। वाराणसी के कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, कितनी सतर्कता, कितने सचेत? इसे आप देख ही रहे होंगे, जब से ये हम लोग ने लॉकडाउन से पहले ही हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू से ही हम लोग लगातार सचेत हो गए थे, और इसमें जो भी भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के WHO को जो जो गाइडलाइंस आ रहे हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक ऐसी महामारी है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा या हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ वर्तमान में अभी तक कुल अगर जो केसेस की संख्या देखें, वर्तमान में 5 है। एक केस जो पहले आया था, जो सबसे पहला केस था, वो अब 2 बार उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो उसको माइनस करते हुए अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 5 केसेस हैं, जिसमें एक की दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो केस 2 तारीख को BHU में भर्ती हुआ था एक्यूट कार्डियक सिंड्रोम के लक्षण के साथ। उसका फिर जब सैंपल लिया गया, उसके सैंपल का टेस्ट आने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, और जब सैंपल रिजल्ट आया तो उसमें वो पॉजिटिव पाया गया। तो उसको जो भी प्रोटोकॉल है उनका क्रिमेशन का, उसको हम लोग उसकी तरफ पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री निकालवा रहे हैं, उसके पूरे परिवार की जानकारी कर रहे हैं। वर्तमान में जो जानकारी है हमारे पास, वो गंगापुर का रहने वाला था यहाँ पे, और वो जो BHU में रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से कोई बहुत उसकी कोई एक्सटेंसिव ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हम लोग और तहकीकात कर रहे हैं कि उसकी और कहाँ कहाँ से वो गया था हाल फिलहाल। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड प्राइम।